बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक का समापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही प्रेरक उद्बोधन से हुआ और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये प्रेरक भी था, दिशा दर्शक भी था और भविष्य की राह दिखाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें, तभी हम अपने देश को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के कार्यक्रम ये बॉर्डर विलेजेस में हो, बॉर्डर विलेजेस के साथ हमारा संपर्क ज्यादा बने, उनका मेन स्ट्रीमिंग ये हम लोग कर पाए और वहां पर हमारी एक्टिविटी बढ़े ताकि हमारा संपर्क सूत्र भी वहां बने और हमारी विकास की योजनाएं भी बॉर्डर विलेजेस तक पहुंचे। उसी प्रकार से आकांक्षी जिलों के विकास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका हो, जहां पर हम लोग अगर माल न्यूट्रिशन से लड़ाई कर रहे हैं तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने ओर से वहां पर कोई ना कोई ऐसा कार्य चलाए कि जहां से न्यूट्रिशन मिशन को एक मदद हो। आकांक्षी जिलों में जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य गति से हो, इस पर हम लोग ध्यान दें, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है इसकी ओर हम ध्यान दें, ये बात भी उन्होंने हम सभी को बताई है। इसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत इस संकल्प को दोहराते हुए हमारे सारे राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करें, एक दूसरे के भाषा को, कल्चर को हम किस प्रकार से अपनाएं, किस प्रकार से उसके साथ हम लोग एक भावनात्मक रूप से जुड़े, इसके भी कार्यक्रम हो। जिस प्रकार से काशी में तमिल संगमम हुआ उसी प्रकार से हम लोग अलग अलग भाषाओं को साथ में लेकर इस भारत को एक भारत के रूप में कैसे तैयार करें, ये भी बात उन्होंने हम सबके सामने रखी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आज
जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से विशेष रूप से जेंडर डिस्पैरिटी को दूर करने का प्रयास किया और जिस प्रकार से उस बेटी को बचाने की कोशिश की जो बेटी समाज की कुरीतियों के कारण गर्भ में ही मारी जा रही थी, उन्होंने कहा इसी प्रकार से आज हमारी धरती माता की पुकार को भी हमें सुनना है। जिस प्रकार से हम लोग केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का अनन्वित उपयोग करते हुए हमारी धरती माता को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज इस प्रदूषण के कारण क्लाइमेट चेंज की विभीषिकाओं से, जलवायु परिवर्तन की विभीषिकाओं से हमें जूझना पड़ रहा है, हमको धरती माता की पुकार सुननी होगी और धरती माता की इस पुकार को सुनते हुए चाहे वो प्राकृतिक खेती हो या एनर्जी ट्रांजिशन हो, इन सारे विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और इसमें हम किसानों को किस प्रकार से प्रेरित कर पाए, किस प्रकार से उनको मदद कर पाए, इसको एक मिशन के रूप में हम कैसे ले पाए ताकि जलवायु परिवर्तन में और उसके खेती किसानी पर होने वाले परिणाम और उससे धरती माता पर होने वाले परिणाम, इसको हम कैसे दूर करें, इसके ऊपर भी हम लोग कार्य करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि विशेष रूप से हम लोग 18 से 25 इस आयु की जो हमारी तरुणाई है, इस तरुणाई ने भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि भारत में पिछली सरकारों में किस प्रकार से अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार देखा गया, किस प्रकार का कुशासन था और कहां भारतीय जनता, कहां भारत आज चलते हुए आया है और किस प्रकार से हम सुशासन की ओर जा रहे हैं। इसलिए 18 से 25 इस आयु के जो हमारे युवा है, इनमें भी जागृति तैयार करना, इनको भी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश करना और साथ साथ किस प्रकार से के कुशासन से हम सुशासन की ओर आए हैं ये बताकर उनको सुशासन के साथ जोड़ना और सुशासन का महत्व क्या है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी बातें उन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में करना है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी जिसमें सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेश उन्होंने दिया कि ये सारी चीजें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए, हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए कोई राजनीति का विचार न करते हुए हम समाज नीति को लेकर किस प्रकार से अपने देश के इस अमृत काल को नए रूप से परिभाषित कर पाए, इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ध्यान दे। एक और चीज प्रधानमंत्री जी ने
भारतीय जनता पार्टी के हम सभी को बताई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बड़े पैमाने पर सदस्यता होती है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहां सभी का चयन होता है, लेकिन हम लोग इन सदस्यों का सम्मेलन नहीं करते और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यह सूचना की है कि जो हमारे प्राथमिक सदस्य हैं, जो हमारे प्राइमरी मेंबर्स हैं, ये प्राइमरी मेंबर्स का भी हम लोग एक सम्मेलन करें, हर डिस्ट्रिक्ट में वो सम्मेलन करें और उसकी भी रचना आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी करेगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का भाषण ये किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं था, किसी पॉलिटिकल लीडर का भाषण नहीं था, एक स्टेट्समैन का भाषण था जिसमें पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है और मेरा विश्वास है कि जो मार्ग प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और इन सारे संकल्पों को पूरा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है और भारतीय जनता पार्टी को संकल्प भी करना है और भारत के लिए इतिहास भी रचना है। VK News, राष्ट्र के नाम।